करनाल में तरावड़ी के अंदर एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है। दरअसल सुबह के वक्त जब मालगाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली के रूट पर थी, उसी दौरान ये हादसा होता है। आप उसी मालगाड़ी को देख पा रहे हैं जो अभी रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर खड़ी है, और ये मालगाड़ी जो है नॉर्दर्न रेलवे की है, उत्तरी रेलवे की है, जो दिल्ली के रूट पर थी। और ऐसे में ये तमाम जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं ये मालगाड़ी के ऊपर रखे हुए थे। किन कारणों से हादसा हुआ है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये जांच का विषय है पुलिस के लिए भी और साथ ही साथ रेलवे विभाग के लिए भी। लेकिन ऐसे तमाम कंटेनर 7 से 8 अलग अलग जगहों पर आप देख पा रहे हैं गिरे हुए हैं, और जो पब्लिक है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है करनाल से जो चंडीगढ़ की तरफ जाती है या करनाल से जो दिल्ली की तरफ जाती है वो बाधित हो गई है। जाहिर सी बात है अमृतसर और से दिल्ली की जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी व्यस्तम रेलवे ट्रैक है। लगातार जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हो, इसी ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ती हैं, और फिलहाल उन्हें रुकवा दिया गया है, उनका रूट चेंज कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जो बिजली के खंभे हैं, बिजली की तारें हैं, वो भी बाधित हो गई हैं, और फिलहाल रेलवे विभाग ने दोनों ही जो साइड की ट्रेनें हैं उन्हें भी रुकवा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जब कंटेनर गिरा है तो ऐसी जगह कई जगह रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है। आप देख पा रहे हैं खदान जो साइड में है, यानी कि रेलवे ट्रैक के परली तरफ जो खाली इलाका है वहाँ पर भी कंटेनर गिरा हुआ है। ऐसे 7 से 8 कंटेनर अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं। रेलवे विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं, पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं, और उनकी तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। करीब सुबह 4:30 बजे का ये रेल हादसा बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी जब तमाम कंटेनर गिरे, क्योंकि तेज़ रफ्तार में भी मालगाड़ी हो सकती है या फिर कोई और कारण हो सकता है, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। अमृतसर से दिल्ली जाने वाला दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया है रेलवे विभाग की तरफ से, और इन कंटेनर्स को साइड करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोई और हादसा ना हो। ये बिजली के खंभे, बिजली की तारें भी बाधित हुई है, रेलवे लाइन भी बाधित हुई है, और जो तमाम नुकसान है वो भी देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात ये है कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। शुरू हो गई, हिल गए घर, घर हिल गए थे। हाँ, घर हिल गए थे। क्या गड़गड़ाहट की आवाज थी? गड़गड़ाहट की, जैसे घर गिरने लगे, बाहर निकल के देखे तो ये हादसा हो गया। तो कितने कितने देख के आए हो आप, कितने कंटेनर गिरे हुए हैं? 4 कंटेनर तो पीछे गिरे हुए हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए सारे? 1 किलोमीटर। तो अधिकारी पहुंच गए रेलवे के? हाँ, कहाँ पर हुआ हादसा, ये कौन सी लोकेशन है? ये वार्ड नंबर 7 दयानगर तरावड़ी, तरावड़ी में, करनाल में। क्या नाम है आपका? हम तुरंत यहाँ पहुँचे, आके स्टेशन मास्टर से मिले, दोनों साइड की ट्रेनें रुकवाई और मौके का जायजा किया। मौके पर देखा तो 8-10 कंटेनर गिरे हुए थे, और तो त्रावड़ी को सूचना दी। मालगाड़ी से गिरे हैं कंटेनर? हाँ, मालगाड़ी से गिरे। कोई डिब्बा भी उतरा है? कोई वो एक पीछे चक्का पड़ा हुआ है, उसका चक्का, वो तो पोल जो तोड़े हैं बिजली के उससे वहाँ से टूटा हुआ है, वहाँ से टूटा हुआ। जान माल का कोई नुकसान नहीं? जान माल को, मालगाड़ी थी? हाँ जी, मालगाड़ी। अगर कोई और गाड़ी होती तो हो सकता था, क्योंकि सबसे व्यस्त लाइन है ये। हाँ जी, हादसा हो सकता था, अगर पैसेंजर गाड़ी होती कोई तो उसमें कोई हादसा हो सकता था।